इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड क्या है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। साथ ही हम बेंचमार्क इंडेक्स दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स और S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम टॉप 5 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करेंगे बेसिस देयर AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, विंटेज एंड परफॉर्मेंस। और साथ ही हम इन टॉप इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को जानेंगे और बेसिस देयर परफॉर्मेंस हम इन टॉप 5 इंडेक्स फंड को रैंक करेंगे फ्रॉम 1 to 5। एंड फाइनली हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सो व्हाट इज़ इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि किसी टारगेट बेंचमार्क इंडेक्स को रिप्लीकेट करता है, दैट इज़ उसको फॉलो करता है, लाइक S&P BSE सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को रिप्लीकेट कर रहा है दैट मीन्स उस इंडेक्स फंड में भी सेम 50 स्टॉक्स होंगे और उन 50 स्टॉक्स का वेटेज भी सेम होगा लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स। इंडेक्स फंड्स को हम पैसिवली मैनेज फंड्स बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एक्टिव सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स नहीं होता है। इंडेक्स फंड को सिंपली अपने टारगेट बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करना है। अगर किसी बेंचमार्क इंडेक्स में कोई नई कंपनी ऐड होती है तो हमारा इंडेक्स फंड भी उस न्यू कंपनी को अपने इंडेक्स में ऐड करेगा। सिमिलरली अगर कोई कंपनी एग्जिट होती है उस बेंचमार्क इंडेक्स से तो इंडेक्स फंड भी उस कंपनी को रिमूव करेगा अपने इंडेक्स फंड से। साथ ही अगर किसी स्टॉक का वेटेज रीबैलेंस होता है तो सिमिलरली इंडेक्स फंड भी उस पर्टिकुलर स्टॉक का वेटेज रीबैलेंस करेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट का, वो है लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट है क्योंकि ये एक सिंपल म्यूचुअल फंड है जिसमें इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को भी ट्रैक करना काफ़ी ईजी है क्योंकि यहाँ सिंपली आपको BSE 30 या फिर निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा बेनिफिट इसका लो कॉस्ट भी है क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड्स के एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं जबकि इन इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, दैट इज़ अबाउट 0.1 to 0.3%। सो नाउ दैट वी हैव सीन द प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स, नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्स ऑल्सो, दैट इज चैलेंजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है, दैट मीन्स फंड मैनेजर का यहाँ किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है। दे हैव टू सिंपली फॉलो द बेंचमार्क इंडेक्स। जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर्स के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि बेसिस मार्केट कंडीशंस दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर कैश एलोकेशन। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई है तो नेचुरली इन कमिंग डेज मार्केट में करेक्शन होगा, तो इन केस ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स दे कैन इंक्रीज देयर कैश एलोकेशन एंड वेन एवर मार्केट कम्स डाउन दे कैन यूज दिस कैश टू बाई न्यू स्टॉक्स। लेकिन इंडेक्स फंड्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो मार्केट ऊपर है या नीचे है डजेंट मैटर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू रिप्लीकेट देयर बेंचमार्क इंडेक्स। सेकेंड इशू होता है इंडेक्स फंड्स का ट्रैकिंग एरर का, दैट इज़ जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेचुरली इंडेक्स फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो लेगा, बी इट 0.1 or 0.3%। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स कुछ कैश भी अपने पास रखता है ताकि अगर कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उस कैश से उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। दैट वे यू विल सी कि इंडेक्स फंड्स के रिटर्न कभी भी बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न के इक्वल टू नहीं होंगे, इट विल ऑलवेज बी लेसर देन बेंचमार्क इंडेक्स। नाउ हम दो मेजर बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में जानेंगे, दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स एंड BSE 30 इंडेक्स। निफ्टी 50 एक वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज का इंडेक्स है और निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं वो ब्रॉडली 13 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ यू लुक एट टॉप कंपनीज ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, ITC, L&T, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल एंड SBI। निफ्टी 50 इंडेक्स इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडेड इंडेक्स एंड इट्स अमंग द टॉप 5 ट्रेडेड इंडाइसेज इन द वर्ल्ड। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट का बेस्ट पार्ट है इसका डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स का एक यूनिट भी खरीदते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा 50 स्टॉक्स का अक्रॉस 13 ब्रॉड सेक्टर्स। S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स में टोटल 30 कंपनीज होते और ये ऑल 30 कंपनीज लार्जेस्ट, मोस्ट लिक्विड और फाइनेंशियल साउंड कंपनीज होते हैं। एंड इफ़ यू लुक एट टॉप कंपनीज ऑफ S&P सेंसेक्स 30 इंडेक्स, सो टॉप कंपनीज आर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, ITC,
एक्सिस बैंक, L&T, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल एंड SBI। S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स के ये जो 30 स्टॉक्स हैं, ये इंडियन इकोनॉमी के की सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 30 स्टॉक्स अक्रॉस ब्रॉड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेलेक्शन प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग टॉप 5 इंडेक्स फंड्स। सो एज यू कैन सी, वी हैव 20 इंडेक्स फंड्स जिनका बेंचमार्क या तो निफ्टी 50 है या फिर S&P BSE सेंसेक्स है। तो आउट ऑफ दीज 20 इंडेक्स फंड्स, हम वैसे इंडेक्स फंड्स को रिमूव करेंगे अपने लिस्ट से जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। छोटे AUM फंड्स को रिमूव करने का रीज़न ये है कि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होगा लाइक 30-40% का, उस समय इन फंड्स के AUM काफ़ी कम हो जाएंगे। और जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होता है उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं, तो ऐसे समय में इन फंड मैनेजर्स को इनके रिस्पेक्टिव फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उन फंड्स को अवॉइड करें जिनका AUM काफ़ी कम है। सो आउट ऑफ दीज 20 फंड्स वी विल रिमूव 15 फंड्स क्योंकि उनका AUM 500 करोड़ से कम है। तो मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया है जिसे हम अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। सो वी विल रिमूव आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड, DSP इक्वल निफ्टी 50 फंड, DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स NSE निफ्टी फंड, ICICI प्रोडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, IDBI निफ्टी इंडेक्स, IDFC निफ्टी, LIC MF इंडेक्स निफ्टी फंड, LIC MF इंडेक्स सेंसेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी, निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स, टाटा इंडेक्स निफ्टी फंड, टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड और टॉरस निफ्टी इंडेक्स। सो नाउ वी हैव 5 इंडेक्स फंड्स, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। नाउ हम इन रिस्पेक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर with respect to their respective benchmark. So if you look at HDFC index fund Nifty 50 plan, 1 year mein benchmark ne return generate kiya hai 15.22%, jabki is fund ne return diya hai 14.43%. 3 years mein benchmark ne return diya hai 8.70%, jabki is fund ne return diya hai 8.32%. 5 years mein benchmark ne return generate kiya hai 13.94%, jabki is fund ne return diya hai 13.49%. 10 years mein benchmark ne return diya hai 10.84%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.09%। एंड इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 15.05%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 14.43%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 10.08%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.65%। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14.65%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 14.28%। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया है 11.24%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.44%। एंड इफ यू लुक एट फिफ्थ वन, दैट इज UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, तो यहाँ बेंचमार्क ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 15.22%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 14.66% का। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.70% का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 8.38% का। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 13.94% का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.57% का। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया है 10.84% का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.14% का। सो इफ यू लुक एट द रिटर्न्स ऑफ ऑल दीज इंडेक्स फंड्स अक्रॉस ऑल होराइजंस, इन फंड्स ने कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। इनफैक्ट इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्सपेंस रेशियो एंड सेकेंड इज कैश एलोकेशन। इन फंड्स को कुछ पैसा ऑलवेज कैश में रखना पड़ता है क्योंकि अगर कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इन्हें इमीडिएटली कैश की जरूरत होती है। सो बिकॉज ऑफ देयर कैश रिक्वायरमेंट, एक्सपेंस रेशियो एंड फ्यू अदर रीजंस, ये फंड्स अपना कंप्लीट मनी कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई दे विल ऑलवेज जनरेट लेस रिटर्न एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क। नाउ लेट्स लुक एट देयर एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.1, जबकि इसका एग्जिट लोड है 0.25% फॉर 3 डेज, एंड आफ्टर 3 डेज एग्जिट लोड इज 0। HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.1 और इसका एग्जिट लोड है 0.25% फॉर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज एग्जिट लोड इज 0। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.1 और एग्जिट लोड है 0। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.09 और इसका एग्जिट लोड है 0.2 फॉर 15 डेज,
अगर आप इस फंड को आफ्टर 15 डेज रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड विल बी जीरो। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.1 और एग्जिट लोड है जीरो। सो नाउ लेट्स रैंक आवर इंडेक्स फंड्स फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। सो आवर बेस्ट इंडेक्स फंड विल बी HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। सेकेंड फंड विल बी UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। थर्ड फंड विल बी HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। फोर्थ फंड विल बी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। एंड फिफ्थ फंड वुड बी SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टॉप पिक होना चाहिए HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्या हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं और उनकी जगह पे आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो वहाँ काफ़ी फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं, जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्पेस में काफ़ी कम फंड्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे इन्वेस्टर जो कि अपने इन्वेस्टमेंट्स का पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी इंडेक्स फंड सुटेबल है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये भी एक प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स थ्रू SIP रूट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।